क्या पढ़ा था हमने, स्ट्रिंग पे क्वेश्चन कर लिए थे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी काट लिया था हमने, देख लिया था कॉन्सेप्ट यही है कि स्ट्रिंग को काटो तो इमिजिएटली टेंशन जीरो हो जाएगी, स्प्रिंग को काटो तब भी इमिजिएटली जीरो हो जाएगी, पर अगर स्ट्रिंग को काटा और स्प्रिंग हुआ तब इमिजिएटली जीरो, स्प्रिंग को काटा और अलग स्प्रिंग हुआ तो इमिजिएटली जीरो, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, क्या क्लियर हो गई बात पक्का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सूडो फोर्स, क्या पढ़ी थी, सूडो फोर्स यानी फेक फोर्स, एक सोच है सूडो फोर्स का, एक सोच, एक इमेजिनरी है ना कहानी, समझ लिया, सूडो फोर्स समझ गया था तू पक्का। सूडो फोर्स क्यों लगाई थी, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में वैलिड ही नहीं था, तो हमने क्या लगाई, सूडो फोर्स, क्या लगाई, सूडो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल से है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट किसका, जो भी ऑब्जेक्ट है, और एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, किसका एक्सेलरेशन यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी के लिए आपके पास ये फॉर्मूला, पर लगाना कहाँ है, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप नीचे लगाओगे, नीचे जा रही है तो, अगर राइट जा रही है तो, लेफ्ट जा रही है तो, सिंपल यही कॉन्सेप्ट। बेसिकली खत्म हो गया लेक्चर ही खत्म हो गया आपका, पर चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर आज एनएलएम का, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आ जाओ सूडो फोर्स, ठीक है क्वेश्चन करते हैं सूडो फोर्स पे, ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं, ये समझाओ थोड़ा सा पहले, पता है ना यार तुम्हें, आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, क्या आपके पास गाड़ी, अरे हाँ या ना बोल, ऐसी गाड़ी है, एक्सेलरेशन इसका ए, आगे जा रही है, कहती बात क्लियर, इसमें कोई शक की बात, यहाँ पे ना एक पेंडुलम टंगा है, क्या टंगा है पता ना कैसे करता है, डन डन डन, ठीक है मास एम, मास एम, इसमें कोई शक की बात, आप फील कर सकते हो जब ये आगे जाएगा तो पेंडुलम आगे जाएगा या पीछे आएगा, फील किया ना, देखा ना यार, ठीक है वेरी गुड, क्या ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा, ये एंगल फाइंड थीटा, क्वेश्चन यही है, फाइंड थीटा, फाइंड। अब देखो इसको दो फ्रेम से कर सकते हो, या तो ग्राउंड पे रह के देखो, यहाँ तो कहाँ रहे हो जाओ, और ग्राउंड पे कौन होता है, संदीप आ रहा है, और अंदर कौन होता है मैम, या तो मैम के फ्रेम से देखो या फिर मेरा नाम ले रहे तुम लोग सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर के फ्रेम से देखो, या तो मैम के फ्रेम से, या तो, पर आंसर कैसा आना चाहिए, सेम। पर सूडो फोर्स कब लगाएंगे, ग्राउंड पे या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन पे, ये एक्सेलरेटेड मोशन, ये कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल, वो कौन सा, सिंपल, आ जा देखते हैं, एफबीडी बनाओ मैम के लिए, ए डॉट ए, मैम ने जब देखा, ध्यान से सुनो, मैम ने देखा क्या, ये वाला देखना, अब ये वाला देखना, ये वाला देखना, अरे पीछे आ गया ना, तो यहाँ पे नीचे क्या लग रही है, एम जी, क्या लग रहा है, इसमें कोई शक की बात, क्या यहाँ पे क्या लग रही है, टेंशन, यहाँ पे क्या लग रही है, टेंशन, अरे ये देखना टेंशन यहाँ पीछे को लगेगी ना, अच्छा फील कर, अगर ये एंगल थीटा तो इसको थोड़ा ऐसे करके, देख मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपने एफबीडी बनानी है ना, तो आपने ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनानी है, क्लियर होगी बात, तो मैंने एक लाइन इस पे यहाँ पे बना दी और एक लाइन ये बना दी, अगर ये एंगल थीटा तो क्या ये एंगल भी थीटा, तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो गया, टी कॉस थीटा, अरे हाँ ना बोल, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो गया, इसमें कोई शक की बात, अच्छा, एक्सेलरेशन के आगे जा रही है तो सूडो फोर्स के पीछे लगाएंगे, हाँ सूडो फोर्स लगाई पीछे, सूडो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी के लिए तो मास कितना है इसका, एम, एक्सेलरेशन ए, तो मास, अरे हाँ ना बोल, अगर तू ध्यान से देख, ये तो टेंशन कट गई क्योंकि दो इसके कॉम्पोनेंट बना दिए, तो ध्यान से देख, टी कॉस थीटा किसके बराबर आया, एम जी के, और टी साइन थीटा किसके बराबर आया, हाँ ना बोल, इसको इससे डिवाइड करते, तो क्या टी से टी कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस कॉट होता है, इसको इससे नहीं बेटा, इसको इससे, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, तो इधर एम एम कटा और बचा क्या, ए बाई जी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टैन इनवर्स ए बाई जी, अरे हाँ ना बोल, मैम ने बताया थीटा की वैल्यू ये है भाई, क्लियर होगी, अब संदीप आरे बोलते मैंने भी देखना है, इसको शक है भाई, मैम गलत आंसर निकालती है, मैम क्या निकालती है, इसने बोला भाई ग्राउंड फ्रेम से देखो, तो ध्यान से देख, इसने देख फील कर ना, संदीप आर्य को ये चीज दिखी, पर उसको लगातार ये चीज भी दिखी है, फील कर ना, उसको ये भी दिख रहा है और ये भी, देख ध्यान से कैसे बनाएंगे, क्या एम जी पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे नीचे क्या लग रहा है, एम जी, यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा, टी कॉस, और यहाँ पे क्या लगा, टी साइन थीटा, बट संदीप आर्य के केस में एक्सेलरेशन पीछे आ गई है ना यार, मतलब एक्सेलरेशन भी यहीं पे और मास भी यहीं पे, अरे हाँ ना बोल, तो
ध्यान से देख, संदीप आर्य ने देखा टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी के बराबर। और एक्सेलेशन भी यहाँ तो सीधे बोल सकते हैं टी साइन थीटा, पीछे तो कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बटे ए बाय जी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्या सेम आई? हाँ, नहीं आती तो मैं मार नहीं देती क्या? क्लियर होगी बात? पक्का कुछ पूछना है? सिंपल सिंपल, पेपरों में ऐसे नहीं करना आपने, मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो सीधे पता नहीं यार, एम में पीछे लगी तो इस बार तो आगे ही लगी। सिंपल, क्या मुश्किल था? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कंपोनेंट बनाना आती है, एफबीडी बनाना आती है, तो ये कोई बड़ी बात, तुम देख लेना आगे क्वेश्चन कराऊंगा चार में, तो तुम्हें बस कंपोनेंट की कहानी आनी चाहिए। जिसको कंपोनेंट बनाना नहीं आते है ना, वो कर ही नहीं पाएगा, वो खेल ही नहीं पाएगा, सीधे फिजिक्स पे खेल नहीं पाएगा। नहीं यार, ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, हम पढ़ रहे सूडो फोर्स, तो ग्राउंड की यूज करेंगे, हम ये करेंगे ना यूज, फील करना। अब देख कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें ग्राउंड पे देखना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसका यूज ही नहीं करेंगे, हम चुप करके कहाँ बैठ जाएंगे लिफ्ट में, क्योंकि लिफ्ट में बैठने से हमारा एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। अरे फील करना, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो हम कौन से फ्रेम में आ गए, हमें फील किया, तुमने फील किया पक्का, इनर्शियल फ्रेम में आ गया लिफ्ट में बैठ के। बेटा लिफ्ट में तो जा रही है ना यार, लिफ्ट जा रही है नहीं जा रही, पर हमारे लिए लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर जो भी सामान है हमारे लिए वो चल रहा, फील किया, ये नहीं समझ आया, क्योंकि मान ले फील कर ये ए से जा रही है, पर तू लिफ्ट में बैठ जाएगा तो फिर थोड़ी तू ए से जा रहा है, क्योंकि तू भी ए से जा रहा है, लिफ्ट भी ए जा रही है, रिलेटिव मोशन कितना है, जीरो। हाँ, ये तेरे लिए पीछे आ रहा है, ऐसा मत बोलना सर ये भी पीछे नहीं आ रही, ये तो आ रही है भाई, ये तो आ रही है, बट तेरे को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत, उसमें सीधे तू उसके ऊपर बैठ जा, तेरे लिए रिलेटिव जीरो हो जाएगा, मजे कर, सूडो लगा दे, क्या क्लियर बात? आजा तेरे को दिखाता हूँ मैं, उठाऊ उसको। अब हमने जितने भी सवाल करने हैं सारे लिफ्ट के फ्रेम में करने हैं, किसमें, सारे लिफ्ट के, क्योंकि हमारे लिए लिफ्ट तो रुक जाती है ना फिर, रिलेटिव मोशन, ठीक है, सूडो लगा देंगे। देखो सर, मान ली लिफ्ट है, क्या ये लिफ्ट है, ये इंक्लाइन प्लेन में है, कितने 37 डिग्री पे है, 5 केजी का बॉक्स है, क्या है यहाँ पे, और ये जो लेंथ है ये है 10 मीटर की, कितने की, इसको रिलीज करिए हमने, क्या किया बेटा, इसको ध्यान सुनना, इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया इसको, टन आएगा, पर इतना ही सत्य नहीं है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने से, अरे हाँ ना, तो बोल, अच्छा अगर मैं ग्राउंड से देखूँ, क्या देखूँ, तो फील कर ग्राउंड से मेरा मोशन क्या है, ये नीचे आ रही, इसको एक्सेलरेशन यहाँ होगा और इसका एक्सेलरेशन, पर नेट एक्सेलरेशन तो ये है, इसका मतलब एक और एक्सेलरेशन होगा, अबे दो एक्सेलरेशन होगा तभी तो नेट आएगा, यानी क्वेश्चन मुश्किल होगा, आसान मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया बेटा। तो हम क्या करेंगे, लिफ्ट के फ्रेम में बैठ जाएंगे, अरे हाँ ना, तो बोल, निकालना क्या क्या, सुन ले, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, इस पर नॉर्मल लग रहा है, नहीं लग रहा है, एंड टाइम टू रीच ग्राउंड, और क्या निकाला, और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तीन चीजें निकालनी, कितनी चीजें, अरे आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एफबीडी बनाओ, तो 5 केजी के नीचे क्या लग रहा है, 50, एक काम करो इसका, ठीक है नीचे लग रहा है 50, अरे हाँ ना बोल, अगर ये 37 तो ये एंगल भी कितना 37, तो ये कितना हो गया 50 cos 37, cos 37 के 4 बाय 5, तो 5 10 ये आया 40, कितना आया, सब न्यूटन की कहानी चल रही है, और ये कितना आया 30, अरे हाँ ना बोल, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा इसको, n, इसमें कोई शक की बात, अच्छा सूडो फोर्स, अगर ये ऊपर है तो सूडो फोर्स क्या नीचे लगाएं, यानी इसी के ऊपर लगेगी, लगेगी कितनी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितना 5, तो लगी 25, कितने लगी, फील कर, क्या 50 के कंपोनेंट बनाए हैं, तो 25 के भी बनाओ, 25 के कंपोनेंट बनाओ, क्या 25 का एक कॉस वाला, 25 कॉस, 25 इंटू 4/5, क्या 5 × 4 = 20, कितना आया 20 न्यूटन, अरे हाँ ना बोल, और ये कितना आएगा 3/5, क्या 15 न्यूटन, वेरी गुड, पर अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि इसके कॉम्पोनेंट, अगर तू ध्यान से देख तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 60 न्यूटन, कितनी आ गई, कोई शक की बात, अच्छा अब तुझे क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक तो इसकी वजह से नीचे आएगा ना, नीचे तो फोर्स कितनी लग रही है, 30 प्लस 15 क्या 45, तो 45 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना गया 5, एक्सेलरेशन ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी आ गई, क्या दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये वाला और ये वाला, अब निकालना टाइम, क्या निकालना है, अच्छा ध्यान से देख तो टाइम इसको यहां तक आने के लिए यही निकालना है यार, पर इनिशियल क्या रिलीज की है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, बेटा इनिशियल तो क्या जीरो, तो ये क्या 10, हाफ ए की वैल्यू क्या 9, टी स्क्वायर, ध्यान से देखते ही आ जाएगा 20 / 9,
इज इक्वल टू टी का अंडर रूट सेकंड्स, दिस इज द आंसर। तुझे आया ही नहीं, फील आया पक्का? अब वगैरह जिसको कॉम्प्रेंड बनाना आते हैं उसके लिए कोई बड़ी खेल। अच्छा मान ले, सुनो सुनो, यही कराऊंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी। ये एक्सेलेरेशन ऊपर नहीं, ये एक्सेलेरेशन नीचे है भाई। कहां है एक्सेलेरेशन? नीचे। दे सकता हूं ना यार। तो सुनो सुनो सुनो, तो ये 15 हट गया, ये 25 भी हट गया, और ये 20 भी। अब सुन, क्या इसको सूडो आप ऊपर बजेगी? अरे हाँ ना, तो नीचे जा रहा तो सूडो कहाँ लगेगी? ऊपर, तो ऊपर क्या 25 लगी? हाँ ना, तो बोलना यार 25 लगी, इसमें कोई शक की बात? अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको मैं एनआर बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? अगर ये 25 है, क्या है बेटा? 25 है। अगर ये क्या है बेटा? तो इसके क्या दो कंपोनेंट बनेंगे? कितने कंपोनेंट बनेंगे? कितने कंपोनेंट? तो कौन कौन सा कंपोनेंट बन सकता है इसका? हाँ ध्यान से सोच, बन सकते हैं कंपोनेंट या नहीं बन सकते, या बनाने भी है नहीं बनाने? देख जब इसको हमने किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब एक्सेलेरेशन नीचे है, अब एक्सेलेरेशन नीचे है, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसको हमने बना दिया इसके कंपोनेंट। अगर तू ध्यान से देख तो नॉर्मल रिएक्शन क्या 45 आ रहा है, या 25 का कोई कंपोनेंट भी लेंगे इस साइड? 25 का कंपोनेंट भी लेंगे। अरे 25 है ना यार, देख ये 37 और ये भी, तो 25 का एक कंपोनेंट यहां आएगा। कितना आएगा? 25 cos 37, cos 37 कितना आएगा? 4/5 का 20, कितना आया? 20। और एक कंपोनेंट के यहां पे आएगा, तो ये 20 तो ये क्या 15 आएगा? अरे हां ना, तो बोल, तो ध्यान से देख, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी, तो ये आपस में और ये, देख कैसे लिखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई? क्या एन आर प्लस 20 इज इक्वल टू क्या 40 बैलेंस कर रहे हैं? तो नॉर्मल रिएक्शन अब कितना लग रहा है? आया एक्सेलेरेशन निकाल इसका, क्या 30 15 पर 15 पीछे लग रहा है, तो यानी इस साइड कितना 15 ही लग रहा होगा। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास कितना आ रहा है? 5, तो 5 इंटू, इस बार एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकंड। आया तुझे? यानी तू अब टाइम निकालता तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करता, तो ये क्या 0 आ जाता, ये 10 ही रहता, तो 1/2, ये 3 t का स्क्वायर रहता, तो अंडर रूट 20/3 आंसर आता। अरे हाँ ना, तो बोल, इसमें कोई शक की बात? हालांकि अलग क्वेश्चन करा सकता था, पर टाइम भी वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना, अरे खत्म हो गया सूडो का सवाल। फील आया नहीं आया? मुश्किल लगा? सच बोल, दिल से बोल, दिल से बोल, मुश्किल लगा तो इसी में करा दूंगा, इसी में सारा कराऊंगा। इसको मिटाओ, पक्का निकालना आ रहा है? नहीं यार, कंपोनेंट बनाने आने चाहिए, और कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देख, ऊपर नीचे कर दिया ना, लेफ्ट राइट ले ले। अच्छा एक ही कराऊंगा, एक घर जाकर तू खुद करना, ठीक है? मान ले अब इसकी एक्सेलेरेशन है आगे की तरफ, किसकी तरफ? 5 मीटर पर सेकंड है सही में, पर अब कहाँ है? आगे की तरफ। क्वेश्चन सही, क्वेश्चन एफबीडी बना, ध्यान से देख, नीचे क्या लग रहा है? नीचे क्या लग रहा है? 50। कितना लग रहा? ये 37 डिग्री पे क्या 40, और ये क्या लग रहा है? 30। अरे हाँ ना, बोल, ये 37 डिग्री, इसमें कोई शक की बात? ध्यान से देख तो क्या नॉर्मल ये लग रहा है? ये लगा नॉर्मल। अगर ए यहाँ तो तू अंदर बैठा है, तो तेरे लिए सूडो पीछे, तो सूडो क्या ऐसे लगी? एम इंटू ए। हाँ तुझे आया या नहीं पता चला? तो आया ना यार। अब देख क्या इस 25 के भी दो कंपोनेंट, अगर ये 37, सुनो सुनो ध्यान से, ये 37 तो ये तो 90 भी होते हैं, तो ये क्या 53, तो ये फिर 37। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला? फील आया ना? ये 37, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट बना? 25 का cos 37, cos 37 वाला कितना होता है? 20, और एक कंपोनेंट का यहाँ बना, और ये कितना बना? 15। अरे हाँ ना, बोल, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देख इस बार क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या 40 - 15 क्या 25? क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल? अच्छा क्या तुझे ये वाला कंपोनेंट, ये तो हट गया ना अब, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या 20 + 30 क्या 50? तो क्या लिखेंगे? 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास क्या 50, तो एक्सेलेरेशन इस बार कितनी आई? अगर मैं s इज इक्वल टू ut + हाफ at स्क्वायर लगाऊं फिर से, तो क्या ये 0 हो गया? ये 10 इज इक्वल टू क्या हाफ 10 का स्क्वायर हो गया, तो 10 10 कट गया, तो यहां पे 2 बचा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2 सेकंड्स प्लस। अरे हां ना, वो क्या मुश्किल था? सेम क्वेश्चन को तीन तरीके से करा दिया, अब क्या पीछे भी ले सकते हैं? तो ले लेना, तो क्या सूडो फिर आगे लग जाती? तो फिर क्या कंपोनेंट वहां क्या करता? तो क्या हो जाता है यार? फील आ गया पक्का? सूडो कैसे लगा, नहीं समझ आया? अब देखो, देख एक दो क्वेश्चन होते हैं।
देख यहाँ पे क्वेश्चन, इस वैरायटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देख लेना, तेरे को आ जाएगा समझ, टेंशन की कोई बात नहीं है। मान ले ये तेरे पास कोई वेज है, इसका मास एम है, कितना मास है इसका, बड़ा मास है इसका एम, और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, इसका मास है एम, क्या मास है, इसमें कोई शक की बात, फील कर, या से करके रखा तो ये स्लाइड करेगा, पर अगर मैं इसको दौड़ाऊं तो स्लाइड करेगा, नहीं करता, देखा ना जोर से नहीं करेगा, तो कितनी एक्सेलरेशन से इसको स्लाइड करूं कि ये स्लाइड नहीं करे, एम डू नॉट स्लाइड, फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन तो समझ आया नहीं, पहली बात इसको पीछे तो लेंगे नहीं, क्योंकि पीछे लेंगे तो ये नीचे आएगा, इसको आगे लेंगे तो क्या इसको, हाँ फील आया ना तेरे को, फील आया ना यार, फील ही आना चाहिए, और कुछ खास बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ये बताना है, और ये एंगल दे दूं मैं तेरे को थीटा, कितना दे दूं, जनरल सवाल आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, देख ले, ठीक है करे साहब। अच्छा एक्सेलरेशन किसकी है, वेज की, किसकी, वेज की एक्सेलरेशन निकालनी है तुम, तो एक काम कर एफबीडी बना, क्या बना, अच्छा वेज पे ही बैठ जा, क्योंकि वेज पे बैठ जा तो ये तो तेरे लिए है ही नहीं फिर, तो यहाँ पे वेज पे बैठ, इसकी एफबीडी बना, नीचे क्या एम जी, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, एम जी, क्या लग रहा है नीचे, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा, अरे हाँ ना, तो बोलना यार, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सोच के बोल, ये देख यहाँ पे देख सकते हैं तू, ये क्या है बेटा एम जी, और ये एंगल ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर थीटा, तो ये क्या एम जी, ये कितना हुआ एम जी, और ये नीचे को क्या आया, अरे हाँ ना बोल, तो बस वही तो बना रहा था, ये एम जी, तो ये थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा, तो ये एम जी, पता है ना ये, इसमें कौन सा नई बात क्या है, इसका इसमें कोई नई बात क्या, नॉर्मल यहाँ लग रहा है एम जी कॉस थीटा के अपोजिट, तो नॉर्मल यहाँ लगा, इसमें कोई शक की बात, अच्छा ध्यान से देख, अरे हाँ ना बोल, अगर ये आगे जा रहा है तो सूडो क्या पीछे लग रही है, तो सूडो लग रही है एम इंटू ए, अरे हाँ ना बोल, अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा, तो दो कंपोनेंट बने, ये बना एन साइन थीटा और ये बना एन कॉस, अगर ये कहीं जा ही नहीं रहा तो क्या इक्विलिब्रियम में, तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बराबर कर दे, कर सकता है ना यार, ये नहीं कर सकता, तो ध्यान से देख, एन कॉस थीटा किसके बराबर है, अरे यहां से भी आ जाना था, आधा मतलब नहीं आधा पक्का, यहां से आ जाना था, कैसे तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम, में तो एन एन कैंसिल, ध्यान से देख, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी, तो थीटा की, तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ए बाय जी, या फिर सीधे एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा, सिंपल निकाल दिया, क्या हुआ, क्या देख रहे, अरे नहीं भाई नहीं, जो तू कर रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं, नहीं बेटा ऐसे नहीं आना था, ये एम ए लग रहा है, तो इस एम ए के भी दो कंपोनेंट आएंगे, ये थीटा तो क्या 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा एम ए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ आएगा एम ए साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा एम ए कॉस थीटा, अरे हाँ ना बोल, ये थीटा तो ये भी थीटा ना यार, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये फिर 90, तो ये फिर थीटा, ऐसे आएगा, हाँ अब तू एन ए और इन दोनों को बराबर करेगा तो बराबर आएगा, पर ऐसा करना सिंपल कर रहे हैं ना, इतना कंफ्यूज क्यों करना है, मान ले तो ग्राउंड फ्रेम से देखता तो तू एम ए पीछे लगाता एम ए आगे लगाता, तब भी तो सेम ही आता, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जी टेन थीटा, अरे स्टैंडर्ड सवाल है, नीट में भी आया शायद, स्टैंडर्ड सवाल है, क्लियर है बात, क्या मुश्किल लगा, मान ले वैज ऐसे नहीं बनाता, वैज ऐसे बना देता, तो डब्बा ऐसे रख देता, अब बता इसको, फिर इसको कैसे लेते, पीछे आगे, ध्यान से सोच के बोल, इसको पीछे लेते तो ये आगे आ जाता गधेड़े, इसको फिर क्या ऐसे लेना पड़ता, हाँ ऐसे लेना पड़ता, फील आया तो क्या होता, तो एम ए पीछे लगा देता, तो ये सब, अब पेपर में क्या करेगा, ये एंगल मान ले 53 डिग्री दे दिया, मास 2 किलो दे दिया, तो क्या हो जाता, तो यहाँ पे ये जो एम जी उम जी आता है, ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाता, सिंपल, ये नहीं समझ आया, अब इसको मैं एक्सटेंड करना हो तो बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, पर कॉन्सेप्ट यही है यार, एक दो क्वेश्चन और देख ले, बताओ इसको स्प्रिंग वाला बैलेंस वाला क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से मान लीजिए लिफ्ट है, क्या है बेटा लिफ्ट है ये, और लिफ्ट में यहाँ पे ना स्प्रिंग बैलेंस लगा, क्या लगा स्प्रिंग बैलेंस याद है, yes, अरे हाँ ना बोल, yes, यहाँ पे ग्राम लिखा होता है, यहाँ पे न्यूटन, कुछ याद नहीं है तुम्हें यार, होता नहीं याद है, और ऐसे हुक निकली होती है, नहीं तुम्हें याद भी है,
चल ठीक है, यहाँ पे पुली लगी है, क्या लगी है? पुली, और ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें कोई शक की बात? अच्छा ध्यान से देख, यह है 2 kg का ब्लॉक, कितने केजी का? और यह है 4 kg का ब्लॉक, कितने केजी का? और एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है इसकी 3 m/s², कितनी? फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस। पहली बात सुन, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन। तो ये टी, तो क्या ये भी? तो ये भी, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2t, पर बटे 10 भी तो करेंगे, क्योंकि आंसर तो केजी फोर्स में चाहिए, याद करना, क्लियर? इसमें कौन सा बड़ी बात है तेरे लिए? क्या टी फाइंड करना है? आजा फाइंड करते हैं टी, पर ध्यान रखना इस बार एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो बाहर से देखेगा फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझाता हूँ क्यों। क्या ये 4 kg है, 2 kg? 4 kg का नीचे आ रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि हमको पता। ये तेरे को देखने में आसान कब लगेगा? जब तू यहां से, क्योंकि तेरे लिए लिफ्ट जा रही है, नहीं तेरे लिए ये जा रहे हैं, तो तू आराम से देख रहा है, फील कर रहा है, तू यहां से देख रहा है, तेरे लिए ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठ जा, चुप करके यहाँ पे बैठ जा, बैठ गया यहाँ पे। अब बनाए बीडी, क्या बना? इसका बीडी बना 2 kg का, 2 kg पे नीचे क्या 20 लग रही है? अरे हाँ ना बोल, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। ऊपर क्या लग रहा है? एक्सेलेरेशन कहाँ ऊपर है? अब सुन, इसके ऊपर सूडो भी बज रही है, सूडो तो लगाई नहीं, ये तो एक्सेलेरेशन इसकी है, ये यहां से देख रहा हूं, तो ये ऊपर सूडो भी तो लगेगी ना, फ्रेम का एक्सेलेरेशन ऊपर, तो सूडो क्या नीचे लगेगी? पर मास कितना? 2 × 3 क्या 6? मतलब 6 N नीचे और लगी सूडो वाली, मैं साथ में लिख रहा हूँ सूडो फोर्स। क्या फील आया? ये नहीं समझ आया? इसका बीडी बनाओ। नीचे क्या लग रहा है? 40। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। एक्सेलेरेशन का है नीचे, कोई शक की बात, और सूडो भी लग रही है। मास कितना? 4। ये कितना? 3, 12। पर इसको मत देख, फ्रेम तो ऊपर ही जा रहा है, तो इसको सूडो कहाँ लगेगी? कितनी लगेगी? 3 × 4 = 12। तो 12 N और साथ में लिख रहा हूँ सूडो फोर्स। अरे हाँ ना बोल, अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर ले। इसका एक्सेलेरेशन ऊपर है तो टी बड़ा होगा, तो टी -26 = क्या? मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये पहली इक्वेशन। यहाँ पे ये नीचे, तो ध्यान से देख, 40 + 12 क्या 52? 52 - 3 = क्या? 4 × एक्सेलेरेशन। अरे हाँ ना तो बोल, एक काम कर, टेंशन निकाल लिया ना तो इसको काट दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या 4 आ गया, ये क्या 2 आ गया, और ये क्या 26 26, 52 आ गया। अरे गलती तो नहीं की है? कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है ना यार, माइनस थोड़ी हो रहा है, माइनस काट दे, ये माइनस माइनस, तो ये माइनस, तो ये प्लस, तो जाया ना, तो ये कितना आ गया? 3t = क्या 104, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 104/3, तो ये आया ही नहीं। और ये चाहिए क्या हमको? क्या चाहिए? 2t, क्या चाहिए? तो 2t की वैल्यू कितनी आ गई? 208/3। अभी भी नहीं चाहिए, क्या डिवाइड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया? 20/3 kg फोर्स। ये नापेगा, क्या मुश्किल था बोले, क्या मुश्किल लगा? एक और करूंगा वैसे, या समझ गया तू? पक्का एक लास्ट कराऊं फिर? yes, बोल। yes, वेक्टर वाली फॉर्म में? yes, ये रहने दूं, लास्ट क्वेश्चन है वो अपने एनएलएम का, फिर तो अच्छे पर में ही डिस्कस करेंगे, बता। yes, करा दूं, रहने दूं? yes, चल देख, मान ले एक्स वाई जेड दिया, एक क्यूब दिया, क्या दिया बेटा? क्यूब दिया, ऐसे क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, कौन सी प्लेन में? और जेड प्लेन में, अरे क्यूब तो एक्स वाई जेड में होता है ना, तो ऐसे ऐसे, क्लियर होगी बात? अच्छा बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात? जेड ऐसे ले रहे, ठीक है यार, तुम्हें बताना पड़ेगा, ऐसे पता है ना तुम्हें? अच्छा ठीक, क्यूब नहीं बना रहे, पूरा गंदा हो जाएगा। इसके अंदर एक स्फीयर पड़ा है, क्या पड़ा है? एक सफेद पड़ा है, इसका मास भी दिया, ये सफेद है, इसका मास है बेटा 2 kg मास है इसका, कितना? इसमें कोई शक की बात? बेटा फील कर, ये किससे टच हो रहा है? हाँ, इसे टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है, तो इसको नॉर्मल, यहाँ भी बज रही है नॉर्मल, पहली बात तो फाइन नॉर्मल, जो एक्स में लग रही है वो भी बता, और जो वाई में लग रही है, पहली बात, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, ये जो क्यूब है ना, क्यूब इसकी वेलोसिटी दी है, क्या दी है? इसकी वेलोसिटी वेक्टर दिया है इसका, मान ले इसका वेलोसिटी दिया 4t i cap + 4t j cap। अरे हाँ ना बोल, इसमें कोई शक की बात? अच्छा पहली बात, ये एक्सेलरेटरी मोशन है, एक्सेलरेटरी मोशन नहीं है, मैं भूल गया, कैसे देखते हैं? एक्सेलरेटर मतलब क्या होता है? dv/dt, तो t का ये आ जाएगा 5 i cap + 4, यानी ये एक्सेलरेटेड है, कैसा है ये?
मतलब सीधे नहीं है, पैराबोलिक है, कैसा है? अरे हाँ ना बोल, क्योंकि वेलोसिटी एक्स में भी और एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड नहीं होती तो क्या सीधा होता? पर एक्सेलरेटेड है तो ऐसे पैराबोला की तरफ जाएगा। अब वो सब नहीं कर रहे, पर हमको पता चल गया। हमको पता क्या चला? हमको पता चला आई का मतलब क्या, एक्स यानी यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड और ऊपर कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। तुझे आया? यानी ये ब्लॉक यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी, मतलब ये ऐसे जा रहा है। फील आया? पक्का? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये जो स्फेयर है इसके फ्रेम में ग्राउंड पे है, तो हम इधर बैठ जाएंगे। हम इधर इसमें फोर्सेस बतानी है। पहली बात nx ny और फाइंड नेट फोर्स। फाइंड, यही यही है हमारा। देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल ध्यान से देख। एफबीडी बना, क्या बना? इसकी, इसका मास कितना है? mg। नीचे कितना लग रहा है? mg। क्या 20? अरे हाँ ना वो। यहां से क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रही है? यहां x वाली क्या, nx। ऊपर क्या लग रही है? ny। नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ना यार? टच है क्या? नहीं पता चला। अच्छा, क्या एक्सेलरेशन का दो तरफ है? तो दोनों तरफ सूडो लगा, तू तो अंदर बैठे। अगर 5 इधर तो सूडो क्या पीछे, तो कितनी लगेगी? 5 2 10। 4 ऊपर तो क्या सूडो नीचे, तो 4 2 8। अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, तो nx की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन। और ny की कितनी आ गई? क्या मुश्किल था तेरे लिए? क्या मुश्किल था? निकाल दी। अच्छा, नेट फोर्स, नेट फोर्स तेरे को पता कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू क्या, 10 का स्क्वायर प्लस क्या 28 का स्क्वायर, जो भी आएगा तो निकाल देना आंसर। क्या मुश्किल लगता है कि बड़ा मुश्किल है? इतना मुश्किल ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए था वेक्टर का, जो कि तुम भूल भी गए थे। अगर गधेड़ो यहाँ पर मैं टी टी ना देता, फिर एक्सेलरेशन जीरो आता। क्यों? समझना, अगर मैं टी टी नहीं लूं तो ए डी वी बाई डी टी, 5 का क्या 0, 4 का भी क्या 0, तो एक्सेलरेशन नहीं होता। फिर ये स्ट्रेट लाइन जाता, तो एक्सेलरेटर होता ही नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आता। अरे क्योंकि एक्सेलरेटिव मोशन हो तभी तो नॉन इनर्शिया फ्रेम है, तभी तो सूडो लगाएंगे। क्या मुश्किल है? पक्का? और कराऊं या मुझे नहीं लगता और कराने की जरूरत है? बाकी आप क्वेश्चन खुद भी तो करना ही है आपने। अच्छे वर्मा, मैं सारे करा दूंगा, तुम क्या करोगे? क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, फिर किस दिन इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल कॉपियां लेके आना, मैंने चेक करनी है, सबकी भरी होनी चाहिए वो।